देवी का वरदान। कई साल पहले अत्तापुर नाम के एक गांव में चंदन नाम का एक युवक लकड़ियां काट के अपनी जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन वो जंगल से जा रहा था, उसने देखा एक हाथी जाल में फंसा हुआ है। चंदन दौड़ के गया और उस हाथी को जाल से छुड़ाया। फिर वो हाथी एक देवी के रूप में बदल गया। धन्यवाद मानव, तुम्हारी वजह से मैं शाप मुक्त हो चुकी हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम इस देश के महाराज बन जाओगे। ये कहकर देवी अदृश्य हो गई। चंदन ने सोचा, मैं तो लकड़हारा हूँ, इस देश का राजा कैसे बनूंगा। बड़ी अनोखी बात है, देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन बाद चंदन जंगल में से गुजर रहा था। बचाओ बचाओ, चीखे सुनाई दी। चंदन ने जाके देखा तो एक गड्ढे में एक व्यापारी, एक शेर, एक बंदर और एक सांप अटके हुए थे। चंदन ने उन चारों को अपने हाथों से एक एक करके पकड़ के बाहर निकाला। वो चारों बहुत खुश हुए, उन्होंने उसे धन्यवाद कहा और वहां से चले गए। एक दिन चंदन जंगल में बैठ के सोच रहा था, अरे रे, ये बुखार के वजह से मैं लकड़ियां काट नहीं पा रहा हूँ। 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, लकड़ियां काटने की ताकत नहीं है मुझ में, मैं अब क्या करूँ। इतने में पेड़ पे से एक बंदर नीचे कूदा और कहा, उस दिन तुमने मुझे बचाया था, याद है? ये लो, ये अंगूर खाओ और अपनी भूख मिटा लो दोस्त। जब भी तुम्हें भूख लगे मुझे बुला लेना। किशन ने फल खाए और वहां से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गुफा के सामने एक शेर दिखा। शेर ने कहा, दोस्त कैसे हो, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। मैंने जितने लोगों को मारा है उन सारों के सोने गहने मेरे गुफा में हैं। उन्हें ले जाओ और अपनी जिंदगी आराम से जियो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। चंदन बहुत खुश हो गया, उसने सारा सोना और गहना समेटा और वहां से चला गया। चलते चलते वो सोच रहा था, इन सारे सोने गहने को बेचकर मुझे पैसे लेने पड़ेंगे, अभी जाके सुनार से मिलना पड़ेगा। फिर चंदन जाके सुनार से मिला और उसे सारी बात समझाई। व्यापारी ने कहा, उस दिन तुमने मुझे बचाया था, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे तुम चाहते हो मैं ये सारे रख लेता हूँ और तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर व्यापारी वहां से चला गया। उस व्यापारी के इंतजार में चंदन वहां काफी देर बैठा रहा। इतने में वो व्यापारी 2 सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने कहा, मैंने जिस चोर के बारे में बताया था वो यही है, मेरे ही दुकान से सारे गहने चुरा के अब मुझे ही वापस बेचने आया है। अभी इसे बंदी बना के कारागार में डाल दीजिए। सैनिकों ने चंदन को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। चंदन बेचारा भगवान को याद करने लगा, हे भगवान, ये कैसा हो गया, मैंने कौन सी गलती की कि मुझे कारागार में डाल दिया। इतने में कारागार में एक सांप आ पहुंचा। उसने कहा, दोस्त याद है उस दिन तुमने मुझे बचाया था, वो व्यापारी झूठा निकला, उसने तुम्हें धोखा देकर सारा कुछ हड़प लिया। मेरी बात मानोगे तो यहां से निकल पाओगे। ये कहकर सांप ने चंदन के कान में कुछ कहा। उस दिन रात युवरानी अपने कमरे में सो रही थी तो सांप ने जाके उसे डस लिया। विष के असर से युवरानी का शरीर नीला हो गया। महाराज ने कई सारे वैद्य बुलाए पर कोई असर नहीं हुआ। इधर कारागार में चंदन ने सैनिक से कहा, देखिए महारानी को विष का असर से बचाने का मंत्र मैं जानता हूं, मुझे उनके पास ले चलिए। उसके बातें सुनके सैनिकों ने उसे महाराज के सामने पेश किया। अंतरमहल में चंदन युवरानी के पैर के पास बैठ के मंत्र पढ़ने लगा। ओम हीम क्रीम पाना पावे तिरस्करावे, ओम हीम क्रीम। बस फिर क्या था, युवरानी का शरीर का रंग बदल गया, वो ताजा तर्रार होके उठ बैठी। महाराज ने उसकी बहुत प्रशंसा की, शाबाश चंदन शाबाश, मैंने नहीं सोचा था मेरी बेटी बचेगी। अगर तुम्हारी सहमति हो तो मेरी बेटी की विवाह तुमसे करना चाहता हूँ।
फिर तुम इस देश के राजा भी बन जाओगे। जैसे देवी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ तो चंदन बहुत खुश हुआ। फिर महाराज ने उस व्यापारी को